हाय स्टूडेंट, जीआरटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो फोटोशॉप में हमको पेन टूल का यूज़ करना है तो कैसे पेन टूल का यूज़ करते हैं, और अगर जो टेक्स्ट टूल का यूज़ करना है तो कैसे हम लोग टेक्स्ट टूल का यूज़ करें। हाँ, चूंकि ध्यान रखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसका, इसमें पेन टूल का, किसका पेन टूल, तो याद रखिएगा पेन टूल ज़्यादातर सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए सिलेक्शन, जैसे अभी तक हम लोग ये सिलेक्शन टूल्स पढ़े हैं ना, कि रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल कैसे रेक्टेंगल के जैसा सेलेक्ट करेगा, इलिप्टिकल के बारे में पढ़े हैं कि अगर जो सेलेक्ट करेंगे इलिप्टिकल टूल तो ऐसे राउंड में सेलेक्शन करेगा, आया समझे ना। और उसके बाद हम लोग पढ़े हैं क्या, लोसो टूल, जो क्या करेगा, ऐसे हम सिलेक्शन करना चाहते तो उसको आसानी से हम सिलेक्शन कर सकते, आया समझे ना। लेकिन इसके लिए हमको अपने हैंड को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे होल्ड रखना पड़ेगा फिंगर को, तब तो सिलेक्शन करेगा ना। और उसके आगे हम लोग एक और सिलेक्शन पढ़े थे, कौन सा, पॉलीगन इलोसो टूल, इसका इस्तेमाल क्या है, क्लिक करिए और फिर यहाँ पे लाके क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करते हुए क्या करते जाइए, सिलेक्शन करते हुए चले जाए, हो जाएगा। और इसके अगला हम लोग पढ़े थे मैग्नेटिक इलोसो टूल, जो क्या कर रहा था, जहाँ सेम बैकग्राउंड पाएगा वहाँ अपने आप को क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा, ये पढ़े हम लोग ना। हाँ, अपने आप को क्या करेगा, बैकग्राउंड के रूप में जहाँ जहाँ सेम कलर पाएगा वहाँ वहाँ चिपकता हुआ चला जाएगा, क्लियर है ना। इसके बाद से हम लोग एक और यहाँ पे सिलेक्शन टूल्स पढ़े थे, क्विक सिलेक्शन और मैजिक वांड टूल सिलेक्शन, ये दोनों बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर रहा था। क्विक सिलेक्शन करेंगे ऐसा, हमको क्या करना होगा, ऐसा सेलेक्ट करना होगा, आ रहा समझे ना। और अगर जो वही हम मैजिक वांड टूल लेंगे तो जहाँ सेम बैकग्राउंड पाएगा एक ही क्लिक में वो सारा सिलेक्शन कर, आ रहा समझे ना, उनके जहाँ वो सेम बैकग्राउंड पाएगा वहाँ क्या करेगा, एक ही बार में सारा सिलेक्शन कर। सेम उसी प्रकार से जब हम पेन टूल का यूज करना चाहेंगे तो पेन टूल का यूज करके हम ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, इसके माध्यम से हम राउंड में भी सिलेक्शन कर सकते हैं, दिख रहा है ना, क्लिक करते जाएंगे वो क्या होता जाएगा, सिलेक्शन यहाँ पे बनता है, सिलेक्शन बनता जा रहा है ना, हो जाएगा ना। अब इसी में अगर हम चाहते नहीं क्या करना, फ्री फ्रॉम पेन दिया है, फ्री फ्रॉम का मतलब क्या होगा, पहले इसको हटा दीजिए जो सिलेक्शन अभी किए हैं ना, इसको हटा लीजिए। फ्री फ्रॉम का मतलब होगा ऐसे आपको ड्रा करके लेके जाना होगा, यानी कि क्लिक कर दें तो काम नहीं करेगा, लेफ्ट बटन आपको होल्ड रखना होगा और ऐसे इसको पास से क्या करना होगा, ऐसे होल्ड किए हुए सिलेक्शन लेकर के जाना होगा, ऐसे थोड़ा सा फास्ट हम लेके आ रहे हैं आगे सिलेक्शन में। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो सिलेक्शन है हमको करना क्या है, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन हटा दिया, हम यहाँ से ले लिए ये वाला पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद से थोड़ा सा इमेज को जूम कर ले, हम यहाँ से सिलेक्शन करना स्टार्ट कर दिए, आसानी से सिलेक्शन कर ले जा रहा है ना। लेकिन जहाँ राउंड करना है वहाँ क्लिक करिए और ऐसे रोटेट करा लिए, देखिए रोटेट हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना। देखिए अगर जो ये पॉइंट एक्स्ट्रा हो गया मिटाना है आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, डिलीट एंकर पॉइंट, इस पे लाके एक बार क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए, वो एंकर पॉइंट डिलीट हो गया है ना, मतलब एक बार समझिएगा, इंटर बटन करके हटा दिए सिलेक्शन, हम यहाँ से पहले पेन टूल ले लिए। फ्री फ्रॉम का तो मतलब समझ लीजिए पहले ही, कि फ्री फ्रॉम का मतलब क्या होगा, कि आपको होल्ड किए रहना होगा और ऐसे आपको सिलेक्शन करते हुए जाना, होल्ड जहाँ छोड़ेंगे वहीं पर सिलेक्शन करना छोड़ दे, फिर आप यहाँ पे होल्ड करिए, होल्ड करके ऐसे ड्रा करके लेके चले, हो जाएगा ना। चलिए इंटर बटन करके सिलेक्शन हटा दिया, फिर हम यहाँ से ले लिए पेन टूल। लेकिन हाँ, इसका यूज कब करेंगे, हम ऐसे क्लिक किए यहाँ पे, यहाँ लाके क्लिक कर दिए, ऐसे आसानी से हम सिलेक्शन करते हुए चले जा रहा है ना। चलिए हम यहाँ पे ले लिए, हमको यहाँ से देखिएगा रोटेट करना है तो क्लिक करके नहीं छोड़ना है, क्लिक किए हुए नीचे की तरफ रोटेट करा लेंगे, देखो राउंड हो रहा है ना, क्या क्लिक किए हुए हैं छोड़ दिए, आ गया ना। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है हमको लग रहा है कि एक्स्ट्रा हो गया, फिर डिलीट करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट ले लेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये डिलीट, अब एंकर पॉइंट यहाँ आ गया है ना। हाँ, तो क्योंकि लंबा से एक ही लेके गए थे ना, एक ही लंबा से लेके गए थे ना, बस कंट्रोल जेड कर लेते हैं, देखो यहाँ पे है ना, हम एड ले लिए, एड एंकर पॉइंट, और बीच में यहाँ पे एक एड कर दिए, यही तो ग्राउंड है ना, यहाँ पे क्लिक कर, देखो एक एंकर पॉइंट यहाँ भी आ गया है ना।
और इसको डिलीट करें तो यहाँ से यहीं तक डिलीट होगा, इसके नीचे डिलीट नहीं, ये वाला पॉइंट एकदम पॉइंट दिख रहा है ना। और जब हम इसको राउंड करने की कोशिश करें, देखिए इसके बाहर का ही होगा, इसके नीचे का नहीं। पता है क्यों इसके नीचे का नहीं होगा? क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे एक एंकर पॉइंट जुड़ चुका है। फिर आप ले लीजिए, यहाँ पे क्लिक करिए, पेन टू ले लीजिए, क्लिक करिए, यहाँ से फिर यहाँ लेके आ जाइए। देखिए इधर लेके चला गया है ना एंकर पॉइंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। फिर हम डिलीट वाला ले लेंगे, क्लिक कर देंगे, डिलीट हो जाएगा ना। अब अपने हिसाब से जैसे इसको करना है वैसे आप इसको सेलेक्ट करिए, इसको डिलीट कर लीजिए, बेहतर है, हो जाएगा ना। यहाँ से आ जाइए, फिर पेन टू ले लीजिए, यहाँ से क्लिक करिए और ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हुए आ जाइए। अच्छा थोड़ा सा फास्ट हम सिलेक्शन कर रहे हैं बस, ऐसा कम अंदर या बाहर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जब भी आप इसका इस्तेमाल करिए बिल्कुल धीरे धीरे करिएगा, ताकि ये ना ही कहीं बाहर और ना ही कहीं अंदर। यहाँ देखिए हमको राउंड करना है पूरा सिर, हम यहाँ डायरेक्टली इसके सामने क्लिक करेंगे और होल्ड किए हुए हम नीचे की तरफ कर लेंगे, हो गया सिलेक्शन। लेकिन अभी यहाँ पे आपको बाहर लग रहा है, बस इसको ऐसे कर लीजिए, ज्यादा अंदर चला गया है ना। तो कोई नहीं, अब इसके पॉइंट को डिलीट करना है तो डिलीट एंकर पॉइंट ले लीजिए और इस पे क्या कर दीजिए, क्लिक करिए, फिर यहाँ पे आ गया ना दोबारा से पेंट। तुमको नहीं दरा क्या जी, तुम सो रही हो? यहाँ से पेंट टू ले लेंगे, क्लिक करना है, फिर यहाँ पे लाके एक बार ऐसे राउंड कर लीजिए। देखिए बिल्कुल राउंड हुआ है ना। चलिए फिर यहाँ क्लिक करिए, ऐसे क्लिक करते हुए फिर ये यहाँ पे ऐसे चले आएगा। देखिए जहाँ राउंड करना होगा वहाँ आपको क्या करना है, बस लेफ्ट वाला बटन होल्ड कर लेना है और होल्ड करके हल्का सा रोटेट करा लेना। यहाँ पे हल्का सा राउंड करना है ना, बस हल्का सा ऐसे राउंड कर लीजिए। हो गया, फिर आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहीं से फिर नीचे क्लिक करते हुए ऐसे आ जाए, यानी कि जहाँ रोटेट कराना हो वहाँ रोटेट करा ले जाएंगे ना। क्या करना होगा रोटेट कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए क्या करना होगा? हाँ लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ही ऐसे घुमा लेना हो, गया ना। फिर आपको इसी पॉइंट पॉइंट पे और क्लिक कर लेना होगा, फिर इसी के बगल में छोटा सा क्लिक करिए और क्लिक करते हुए ऐसे फिर वापस से आ जाए, हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा दबा थोड़ा सा और ऊपर कर लीजिए, जैसे जैसे आपको सिलेक्शन करना है वैसे सिलेक्शन करते हुए चले। हाँ थोड़ा समझना, हम सब फास्ट कर ले रहे हैं, तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्यों? आप सोच रहे होंगे आखिर ये सिलेक्शन कैसे करेगा, इसका सिलेक्शन करने का भी तरीका है। और हम चाहे होते ना तो राउंड कर लिए होते, राउंड करने के लिए बस करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके फिर यहाँ लेके आ जाइए, राउंड लेफ्ट बटन होल्ड करके घुमा दीजिए, बस हो जाएगा ना। फिर हम यहाँ पे आ गए, देखिए यहाँ पे राउंड कर लेते हैं हम, हो गया राउंड, यहीं क्लिक कर लीजिए। हो गया ना, अभी सिलेक्शन पता चल रहा है। तो चूंकि जब ऐसे छोटे छोटे डॉट डॉट बना होता है तब तो सिलेक्शन हो रहा है ना, तो चाहते हैं अगर ये सारा ही जितना हम सेलेक्ट किए हैं उतना सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर, उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ इंटर बटन दबाना होगा। किसके साथ? कंट्रोल के साथ। देखिए अब यहाँ पे सिलेक्शन बन के आया है ना, अब अगर हम डिलीट करें तो देखिए इसका कलर डिलीट हो जाएगा, इमेज हमारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि क्या करना होगा अल्ट के साथ डिलीट। यहाँ पे काम नहीं करने दे रहा है जी। चलो कोई नहीं, इसको मूव कराते हैं किसी अदर बैकग्राउंड पे, बैकग्राउंड लाने के लिए पता है ना कौन सा बैकग्राउंड किसके ऊपर ले लिया जाए, यहाँ लेके आना है।
यहाँ के लिए फिर हम मूक टू ले लेंगे और इमेज के यहाँ से क्या करा देंगे, मूक करा। आ गया जी, जा रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। कहाँ गया, सिलेक्शन तो हो ही गया है। एक बार और ट्राई कर लेते हैं हम। अब शायद मूव टूल काम करे इस पे, अब काम कर रहा है ना, क्योंकि सिर्फ बैकग्राउंड आया है, बैकग्राउंड से लिखी है, इसलिए कंट्रोल जेड कर देते, कंट्रोल जेड करके इसको हटा दे और फिर से यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई बटन दबा दे। किसके लिए, इमेज के लिए। अब फिर मूव टू लेके मूव करा लेंगे। अब देखिए इमेज आ गया इस पर, हो जाएगा ना। एक किस टूल का यूज करके हमने सिलेक्शन किया था, पेंट। लेकिन पेंट टूल में आपको कई सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो पेंट टूल का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है, फ्री फ्राम का मतलब समझ में आ रहा है कि फ्री, आपको जैसे घुमा फिरा सिलेक्शन करना है वैसे सिलेक्शन कर सकते। एड एंकर पॉइंट और डिलीट एंकर पॉइंट, और जो सिलेक्शन करते समय पेंट टूल का और जी एंकर पॉइंट हमको ऐड करना है या डिलीट करना है, दिख रहा है ना, यहाँ तक एंकर पॉइंट दिख रहा है ना। तो अगर जो आपको लग रहा है कि नहीं हम क्या करना चाहते हैं, किसी एंकर पॉइंट को ये डिलीट करना चाहते हैं, उस पर क्लिक कर देंगे, डिलीट हो गया है ना। और यदि ऐड करना चाहते हैं तब क्या ले लेंगे, ऐड एंकर पॉइंट, और यहाँ पर ला क्या कर देंगे, क्लिक। अब देखिए एक उसी में एंकर पॉइंट जुड़ चुका है ना, आ गया यहाँ पर ना। अब यहाँ से आप इसको जैसे रोटेट कराना चाहते हैं वैसे रोटेट करा सकते। और उसके नीचे जो आपको ऑप्शन मिलेगा ये कन्वर्ट पॉइंट दिखाई देगा, कि अगर जी आपको पॉइंट के रूप में कन्वर्ट करना तो क्लिक कर दीजिए, पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे क्लिक करिए पॉइंट के रूप में कन्वर्ट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर भी क्लिक कर दीजिए। तो जहाँ क्लिक करेगा वहाँ पॉइंट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जहाँ से जैसे जैसे मोड़ना चाहते हैं वैसे आप इसको रोटेट करा सकते हैं, हो जाएगा ना। तो इन सभी टूल्स का मतलब समझ में आ रहा है ना, बस ये ध्यान रखिएगा ये कन्वर्ट पॉइंट क्या करेगा, जहां पे आपने ये दे दिया है ना क्लिक करिए और जैसे आप इसको मोड़ना चाहते हैं वैसे सिलेक्शन को ऐसे मोड़, हो जाएगा ना। पहले राउंड नहीं था, देखिए अब राउंड हुआ है, सिलेक्शन हो गया है ना। ये हमने किसके माध्यम से किया है, कन्वर्ट पॉइंट, हो जाएगा ना। और हाँ, जब इन सब के बाद से आएंगे आखिरी में आपको दिखाई देगा एक टूल कौन सा, चलिए तो इसको इमेज को डिलीट कर, हो गया इस लेयर को भी डिलीट करके, बचा हमारा बैकग्राउंड और बैकग्राउंड के बाद से इमेज, हो जाएगा ना। अब इस इमेज में देखिए हमको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्शन को सारा हटा देते हैं कंट्रोल डी करके, हो जाएगा ना। अब इसमें हमको कहीं टेक्स्ट लिखना है, क्या लिखना है, टेक्स्ट। देखिए आपको चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल टाइप का और एक वर्टिकल टाइप, और जेंटल लेके क्लिक कर दी और यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दी, दिख रहा है ना। बाहर क्लिक करेंगे, मूव टू ले लिए, मूव हो रहा है ना। कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफार्म आ जाएगा, और इसके साइज थोड़ा सा बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, बढ़ा ले, हो जाएगा ना, अपने इंस्टीट्यूट का हमने नाम लिखा। दूसरी चीज कि अगर जो यही हम वर्टिकल वाला ले लें तब देखिए ऐसे लिख के आएगा, अंतर दिख रहा है कुछ। कंट्रोल टी करिए ट्रांसफार्म आएगा, और साइज को अपने अनुसार एडजस्ट कर लीजिए, फिर दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है ना। तो ये जो लिखे हैं ये किसके माध्यम से लिखे हैं, हम ऊपर वाला ये जो लिखे हैं, ये किसके माध्यम से लिखे हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप के माध्यम से, और ये वर्ड। और उसके नीचे आएंगे ना तो अगला आपको दिखाई देगा हॉरिजॉन्टल मास्क वाला, मास्क टूल, और उसके नीचे वर्टिकल टाइप मास्क, ये काम बस ये करेगा, आप क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करें देखिए कलर चेंज हुआ सबका ना, अब यहाँ पे लिख लीजिए, हो जाएगा ना, मूव को ले लीजिए। अब देखिए ऐसे सिलेक्शन के रूप में आपको लिखा हुआ दिखाई, इसका यूज पता है कब करेंगे, एक बार देख लीजिए। जैसे सपोज करिए कंट्रोल डी करके हटा दे, कंट्रोल
कंट्रोल अल्ट जेड इन सबको हटा दे, जितना टेक्स्ट लिखे हैं सबको हटा दे। इसको भी हटाना होगा ना, यहाँ से ले लिया डिलीट। होगा हो गया सारा डिलीट ने। अब देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पे ले लिए मास्क टूल वाला, और यहाँ पे हम लिख दिए क्या अपने इंस्टीट्यूट का नाम, हो गया ना। अब इसको जो है हम यहाँ से सिलेक्शन करके यहाँ लेके आ, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ सिलेक्शन दिख रहा है ना, अब यही सिलेक्शन हम यहाँ लेके आ गए। तो यहाँ पे आपको इमेज पता है कौन सा दिखेगा, कंट्रोल डी करिए सिलेक्शन हट जाएगा, कंट्रोल टी करिए ट्रांसफार्म आ जाएगा। इसके लिए, इसके लिए ट्रांसफार्म नहीं दे रहा है ना, सो ट्रांसफार्म करिए, इस पे नहीं दे रहा है। चलो कोई ना, हम एक नया पेज ले लेते हैं, मिनिमाइज कर ले, कंट्रोल एन से क्या करेंगे न्यू पेज कस्टम करके यहाँ से ओके कर लीजिए, यानी कि जो हम साइज लिए वही बेहतर है। कलर क्या आया है अभी, कोई दिक्कत नहीं है, वाइट कर दी। अब करना क्या है हमको, यहाँ पे जो हम गायत्री लिखे थे ना सेम वही हमको दोबारा से लिखना है, तो मास्क टू ले लेंगे, क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख दिए वही फिर से गायत्री। अब इसमें अंदर देखिएगा क्या होगा, साइज को थोड़ा सा हम सेलेक्ट करके यहाँ से साइज को बड़ा कर लेते हैं, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब यही हम मूव टूल लेके थोड़ा सा इसको मूव करा लेंगे, यहाँ इस पेज पे लेके आ जाए, कंट्रोल टी कर यहाँ पे ट्रांसफार्म के लिए, और इसके साइज को बड़ा कर लीजिए। इसमें पता है क्या आया है, जिसके ऊपर लिखे तो वो कलर इसमें लेके गया है ना, बहुत जगह आप लोग देखे होंगे टेक्स्ट के अंदर इमेज लिखा हुआ होता है, देखें ऐसे आप लोग टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा होगा, इमेज लिखा होगा, तो उसके लिए हम लोग इसी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा मास्क टूल कैसे थे, एक बार और समझ लीजिए, हम इन सबको हटा देते हैं और एक अच्छा सा बैकग्राउंड लेके आ जाते हैं, हम यही बैकग्राउंड ले, बैकग्राउंड आ गया है ना, एक पेज ले लेते हैं हम, कंट्रोल एन से एक पेज ले ली, ओके कर दी, पेज आ गया है ना। इस पे हमको अपना नाम लिखना था तो मास्क टूल ले लिए, क्लिक किए और यहाँ पे अपना नाम टाइप कर, साइज को यहाँ से बड़ा कर लेंगे, इतना बड़ा कर लेंगे, हो जाएगा ना, मतलब इससे बड़ा इसमें नहीं होने दे रहा, कोई इशू नहीं, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद से इसको मूव करा ले जाए, यहाँ पूरा आ जा रहा है क्या, असर प्लस करके जूम कर लीजिए, ये वाला लेके जाना है ना, ये आ गया टेक्स्ट, देखिए बिल्कुल बीच में छोटा सा दिख रहा है ना, कंट्रोल टी करिए ट्रांसफार्म आ जाएगा, और इसको जो है जूम कर, उसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है नहीं हो तो कोई इशू नहीं है, जब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए आ रहे हैं ये मास्क टूल लेकर के ना, टूल्स लिखने के लिए आ गए, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे एक बोल्ड का ऑप्शन देगा, बोल्ड आप लोग पढ़े हैं ना, चलिए हम बोल्ड कर दें इसको, बिल्कुल सिंपल बोल्ड, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब नाम टाइप कर लिए, मोटा लिख रहा है पहले से ना, और इसमें आप आएंगे ना तो आपको अलाइनमेंट भी दिखाई देगा, अलाइनमेंट आप लोग पढ़े ही हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जो भी होगा हो जाएगा ना, ये नॉन दिया है यानी कि आप स्ट्रैप करेंगे या फिर क्लिप करेंगे तो ऐसे आपको हल्का छोटा या बड़ा बस दिखाई देगा, साइज दिख रहा है ना, यहाँ साइज साइज के ऊपर ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ से कम या ज्यादा कर रहे हैं ये नॉन कर दिए, थोड़ा सा लंबा हुआ हल्का सा, और अगर इसी को हम स्ट्रांग कर दें छोटा हुआ थोड़ा सा, फिर हम क्या करेंगे बाद में, हमको बस यही इतना ही रखना था, हम इसको ले लेंगे, अब मूव सिलेक्शन हो गया है ना, कहाँ गया पे, जिस पेज पे लेके जाना होगा ये पेज है ना, अब इस पेज पे हम क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को जहां लिखा गया है मूव टू लेकर के इसको मूव करा लेंगे इसके ऊपर, आ गया है ना, फिर कंट्रोल टी करिए ट्रांसफार्म आ जाएगा,
और इसके साइज को जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा यहाँ से उसके अंदर आया है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो मास कंट्रोल ध्यान रखिए, जब टेक्स्ट टूल लेंगे तो टेक्स्ट टूल जो है दो प्रकार से काम करेगा। पहला, यदि आप वर्टिकल लिखना हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल लिख सकते हैं, और यदि वर्टिकल लिखना चाहते हैं तो वर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन इसी में मास्क टाइप आपको दिखाई देगा जो खुद से एक मास्क बना देगा कि यदि आप लिखेंगे यहाँ पर ना, तो वो आपको सिलेक्शन करके जब कहीं और आप लेकर के जाएंगे तो वहां पे वो आपका क्या करेगा, इमेज का बैकग्राउंड भी लेकर के साथ साथ में चल हो जाएगा ना। अब अगर जी ही हम किसी के फेस पे लिख दें, किसी का फेस ले लिया जाए जी, चलो फोटो में आ जाते हैं, ये ले लिया जाए, चलो इसके ऊपर नाम लिखना है, हम यहाँ पे ले लेंगे मास्क टूल वाला। वर्टिकल करेंगे तो पता ही क्या करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ लिखता जाएगा, और जो हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये लेफ्ट से राइट। अब यहाँ पे हम लिख दिए, जहाँ रखना वहाँ रख लीजिए, यही हमने रख दिया। अब हमको करना क्या है, मूव टूल ले लेना है, सिलेक्शन हो गया है ना। अब इसको जो मूव करा लीजिए अगले वाले पेज, कंट्रोल टी करिए ट्रांसफार्म आ जाएगा, और फिर अपने साइज को यहाँ से बड़ा कर। फेस आया उसमें ना, हो जाएगा ना। तो ऐसे जब हमको कोई भी डिजाइन करना है तो हम आसानी से वो टेक्स्ट लिख करके उसमें डिजाइन कर, हो जाएगा ना। तो अभी हमने आपको जो बताया पेन टूल क्या है, और उसके नीचे जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है टेक्स्ट टूल, ये क्या है, ये क्लियर हो रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें? ध्यान रखिए पेन टूल का शॉर्टकट की पी होगा, पेन टूल का शॉर्टकट की क्या होगा, पी। और अगर जो वही हम यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट टूल में तो इसका शॉर्टकट की क्या होगा, टी हो जाएगा। और जब आगे जाएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा क्या, पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन। पाथ यदि आप सेलेक्ट करेंगे तो पाथ आपको सिलेक्शन दिखाई देगा, यदि आप डायरेक्ट सिलेक्शन करना चाहते हैं तो क्या ले लीजिए, डायरेक्ट सिलेक्शन। आ समझ में? लेकिन ये कब काम करेगा, जब हम पेन टूल ले रहेंगे ना, तो पेन टूल को अपने हिसाब से अगर जो कहीं सिलेक्शन करना चाहते हैं इसके पाथ को या फिर इसके इमेज को जहां सिलेक्शन करना चाहते हैं वहां सेलेक्ट कर। देखिए डायरेक्ट में ऐसे आपको डायरेक्ट सिलेक्शन मिलेगा, ऐसे करना होगा आपको डायरेक्ट सिलेक्शन। लेकिन वही अगर जो हम यहाँ से ले रहे हैं पाथ सिलेक्शन, देखिए इस सिलेक्शन को लेकर के चला जा रहा है जहाँ चाहते हैं वहां, तो किसके माध्यम से जा रहा है, पाथ। और डायरेक्ट करेंगे तो देखिए ऐसे आपको सेलेक्ट करना हो, ऐसे हटेगा नहीं। देखो अभी इसमें कहीं डॉट लाइनिंग नहीं बना हुआ है ना, अब इसको सिलेक्शन कर ले, देखो बन जाएगा, यानी कि बता दिए कि सेलेक्ट हो चुका। अभी ये मूव नहीं करेगा, यहाँ कॉर्नर पे आने के बाद से ही मूव करेगा, दिख रहा है ना। और जब हम यहाँ बीच से मूव कराएं देखो नहीं होगा, नहीं हो रहा है ना। उसके लिए जब हम एक बार सिलेक्शन कर लेंगे तो आउटलाइन पे आना हो। लेकिन वही अगर जब हम क्या ले रहे हैं पाथ सिलेक्शन, तो एक ही बार इस पूरे पाथ को सेलेक्ट कर लेगा, देखो हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? और नीचे आएंगे तो इसके नीचे आपको शेप दिखाई दे, जैसे आप लोग एमएस वर्ड में एक्सेल में शेप लाना सीखे हैं ना, तो वैसे आप इसमें भी शेप ला सकते हैं, इतना क्लियर है ना। तो ये अभी आज आप लोग इतना ट्राई कर लीजिएगा, पेन टूल, टेक्स्ट टूल और पाथ सिलेक्शन। जब ये तीनों आप लोग ट्राई कर लेंगे तब आपको बताएंगे अगला इसमें क्या शेप, और शेप के अंदर अगर आपको कोई इमेज लगाना तो कैसे लगाएंगे हम आपको बताएंगे अगली क्लास। और उसके साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि अगर जो आप क्या करना चाहते हैं, किसी फ्रेम के अंदर फोटो रखना चाहते, फ्रेम के अंदर का क्या समझ रहे हैं कि फ्रेम हो फूल का चारों तरफ बना हो और उसके अंदर हम फोटो रखना चाहते हैं तो कैसे रखें, क्लियर है ना। ये आज आप लोग इतना ट्राई कर लीजिए लोग, कौन कौन सा, पेन टूल का चार पांच ऑप्शन, टेक्स्ट टूल का चार ऑप्शन, और पाथ सिलेक्शन और डायरेक्ट सिलेक्शन का दो, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो ये आज आप लोग यहाँ तक करके लाइए लोग।